नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में टाटा पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। टाटा पावर के लिए मैं काफी क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि मैंने इसके व्यूज नेगेटिव कहे, और क्रिटिसाइज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने भी है। हमने आपको सिंपली कहा है कि बॉस एक बात को याद रखें, जब तक ये स्टॉक ऊपर मिनिमम 460 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करे, ऊपर के लेवल को मिनिमम 460 को ब्रेकआउट नहीं करे, तब तक मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग करने से बचना चाहिए। ऊपर अगर 460 के लेवल को ब्रेकआउट करे तभी हमको लॉन्ग करना है, और अगर 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तभी शॉर्ट करना है। इस बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा कौशन बरतना चाहिए। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले देखें तो आज ये सेक्टर में भी लगभग लगभग 1% का डाउन ट्रेंड दिखा, 0.92% का, और ये फोर्थ, यहां अगर मैं इस चार्ट को दिखाऊं तो यहां आप पाएंगे कि जो 4 जून वाला जो काउंटिंग वाला दिन था इसको रेजिस्टेंस बना लिया है, और जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। टाटा पावर का चार्ट नो ट्रेडिंग जोन में है, ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में मुझे लगता है कॉशन बरतना चाहिए, लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। एक बड़ी खबर देखिए कि फोर रीजन व्हाई S&P ग्लोबल अप्स इट्स क्रेडिट रेटिंग ऑन टाटा ग्रुप फर्म। ये हमने डिस्कस करा था कि S&P ने इसके रेटिंग को अपग्रेड करा है, अफर्म करा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये रेटिंग अपग्रेड हो गया तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे के रीजन जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट है, टाटा सन्स का सपोर्ट है, इसके अलावा जो प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो है, और इसके अलावा देखेंगे कैपेक्स है, ये सभी कारण है इसके रेटिंग को अपग्रेड करने का। लेकिन रेटिंग के अपग्रेड कर देने से स्टॉक थोड़ी बढ़ जाएगा। टाटा पावर हैज कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हेवली इन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। S&P सेड कैपिटल एक्सपेंडिचर में एवरेज अबाउट द 15,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। 15,000 करोड़ कैपेक्स कर रहा है, बात ठीक है, सब कुछ कंपनी अच्छा है, ठीक है, ग्रुप अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली खरीद लो, वॉल्यूम काफी कंसोलिडेट है। अपडेट में वही S&P वाला एक लास्ट अपडेट है, डिलीवरी बेटर है, ट्रेंड मिसिंग है। ट्रेंड देखेंगे अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन पास 3 मंथ से मिसिंग है। तो मिनिमम जब तक ये 460 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करे बिल्कुल कॉशन बरतेंगे।